TVS के लिए उनकी जुपिटर 110 स्कूटर काफी इंपॉर्टेंट है। 2013 से जब से ये स्कूटर मार्केट में आई है, ये TVS के लिए कंपनी की बेस्ट सेलर रही है। 11 साल बाद TVS ने जुपिटर 110 को सबसे बड़ा अपडेट दिया है। आइए इस अपडेट की जांच डिटेल में करते हैं। TVS ने नई जुपिटर 110 को जुपिटर 125 की तरह फ्लोरबोर्ड के नीचे फ्यूल टैंक को माउंट किया है, जिसका ओपनिंग हैंडलबार के बाजू में है। इसका अंडरसीट स्टोरेज एरिया भी जुपिटर 125 की तरह 33 लीटर्स का दिया गया है, जिसमें 2.5 हेलमेट आ जाएगी, पर फुल हेलमेट फिट करना अभी भी मुश्किल है। जुपिटर 110 का नया 113cc इंजन भी उसके बड़े भाई से डिराइव किया गया है। लेकिन यहाँ सबसे रेवोल्यूशनरी चेंज है TVS की iGo Assist माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर देती है जब आप एक्सेलरेटर को ज़्यादा ट्विस्ट करेंगे। ये 110cc सेगमेंट के लिए एक फर्स्ट है। स्टाइलिंग के मामले में TVS ने एकदम रेडिकल चेंजेस नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी ये मॉडल पुरानी स्कूटर से काफ़ी शार्प और फ्रेश लगता है। आगे और पीछे दोनों जगह TVS ने बड़े नए LED DRLs दिए हैं, जिसमें इंडिकेटर्स इंटीग्रेटेड है। ये सिर्फ टॉप मॉडल्स में मिलेंगे और बेस 2 मॉडल्स में यहाँ नहीं मिलेंगे। चलाने में TVS की नई जुपिटर काफी फैमिलियर है, एंड दैट इज अ गुड थिंग। TVS के टेस्ट ट्रैक पे जुपिटर वाज क्वाइट कंपोज्ड थ्रू द कॉर्नर्स और काफी प्रिडिक्टेबल नेचर है इसका। इसका इंजन जो ब्रांड न्यू है इज क्वाइट स्मूथ आल्सो, लेकिन इसका इंजन जापानीज कंपेटिटर्स की तुलना में स्मूथनेस मैच नहीं कर सकता है। आपको फ्लोरबोर्ड्स और हैंडल बार पे सर्टन स्पीड्स और सर्टन RPMs पे हल्का वाइब्रेशन मालूम पड़ता है। बाय नो मींस इज दिस अ डील ब्रेकर, हाउएवर क्योंकि हमने नई जुपिटर को सिर्फ TVS के टेस्ट ट्रैक पे चलाया है, हम इसके ब्रेक्स या सस्पेंशन के रियल वर्ल्ड का जजमेंट आपको अभी नहीं दे सकते हैं। जो मुझे थोड़ा मालूम हुआ उससे पता चलता है कि इसका सस्पेंशन अल्ट्रा सॉफ्ट नहीं है, और दैट इज अ गुड थिंग, क्योंकि आपको छोटे छोटे कद्दे शायद थोड़ा और मालूम पड़ेंगे, लेकिन द बिगर हिट्स द सस्पेंशन विल अब्सॉर्ब मच बेटर। इसकी ब्रेक्स भी काफी पावरफुल है, और CBS के कारण अगर आप हार्ड ब्रेकिंग करेंगे तो इसका व्हील लॉकअप होने का चांस काफी रिड्यूस हो जाता है। फीचर्स के मामले में जुपिटर 110 हमेशा कंपटीशन से आगे रही है, लेकिन TVS ने अभी और फीचर्स ऑफर किए हैं। सबसे रेवोल्यूशनरी फीचर है TVS का iGo माइक्रो हाइब्रिड सिस्टम, जो आपको ओवरटेक में हेल्प करता है। माइक्रो हाइब्रिड के साथ साथ TVS ने जुपिटर को स्टॉप स्टार्ट टेक भी दिया है, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद हो जाएगी। साथ ही साथ TVS ने जुपिटर को एक ब्लूटूथ कंपैटिबल डिजिटल डिस्प्ले, ऑटो कैंसिल इंडिकेटर्स और एक छोटा सा फोन होल्डर और USB चार्जर भी दिया है। बेस मॉडल में आपको हाइब्रिड सिस्टम, स्टार्ट स्टॉप टेक और USB चार्जर नहीं मिलेगा, और डिजिटल डिस्प्ले की तरह एनालॉग क्लस्टर मिल जाएगा। TVS जुपिटर 110 को 4 वेरिएंट्स में ऑफर करती है, ड्रम, ड्रम अलॉय, ड्रम स्मार्ट कनेक्ट और डिस्ट स्मार्ट कनेक्ट। हमारे एक्सपीरियंस में जुपिटर 110 ने बहुत कम चीज़ें रॉन्ग की है, और दूसरे राइवल्स के कंपैरिजन में ये फीचर्स और परफॉर्मेंस का मजबूत बैलेंस ऑफर करती है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके करंट प्राइसेस पे TVS अपनी नंबर 2 पोजीशन को रखेगा ही साथ होंडा की मैसिव मार्केट शेयर को भी धीरे धीरे कम करेगी।